बाइक रिलेटेड ए टू जेड वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल और हर एक नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक तरफ है एलिगेंट लुक, प्रीमियम क्वालिटी, क्रोम फिनिश डिजाइन विद मेटल बॉडी, सुजुकी एक्सेस 125। दूसरी तरफ लेटेस्ट लॉन्च, अपडेटेड फीचर्स एंड वेरी कंटेम्पोररी लुक्स 125 सीसी स्कूटर होंडा ग्रेजिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया, मैं हूं चंदन। जी हां, आपने बहुत सारे मैसेजेस दिया है 125 सीसी सेगमेंट में इन दो स्कूटर के बीच एक कंपैरिजन देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप कोई स्कूटर लेना चाहे अगर इन दोनों के बीच, तो इन दोनों में कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, वो ही हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक फुल डिटेल कंपैरिजन 125 सीसी सेगमेंट में। एक तरफ है सुजुकी एक्सेस 125 वर्सेस बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च होंडा ग्रेजिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सुजुकी एक्सेस 125 है ये दो वेरिएंट में आते हैं, एक है नॉर्मल और एक है स्पेशल एडिशन। और दूसरी तरफ होंडा ग्रेजिया आपको तीन वेरिएंट पे मिलेगा, एक तो है ड्रम ब्रेक नॉर्मल, दूसरा है ड्रम ब्रेक विथ अलॉय व्हील और तीसरा है डिस्क ब्रेक विथ अलॉय व्हील। तो डिस्क ब्रेक विथ अलॉय व्हील के बारे में हम बताएंगे। और सुजुकी एक्सेस में स्पेशल एडिशन जो है सुजुकी एक्सेस 125 स्पेशल एडिशन, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। इन दोनों स्कूटर में जो फ्रंट टायर आपको मिलेगा ये 12 इंचेस का है और पीछे का जो टायर है ये 10 इंचेस का है। दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा विथ अलॉय व्हील, 5 स्पोक ब्लैक अलॉय व्हील। और जो व्हील में सबको मिलेगा सुजुकी एक्सेस 125 में 1265 mm और होंडा ग्रेजिया का जो व्हील बेस है ये है 1260 mm। और अब बात करते हैं सस्पेंशन। इन दोनों स्कूटर में आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और सुजुकी एक्सेस 125 में आपको स्विंग आर्म स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलेगा। और दूसरी तरफ होंडा ग्रेजिया में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। और अब बात करते हैं वेरी पावरफुल इंजन के बारे में। सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 124 सीसी फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड एसओएचसी 2 वाल्व कार्बोरेटेड इंजन आपको मिलेगा। और दूसरी तरफ होंडा ग्रेजिया में आपको 124.9 सीसी फोर स्ट्रोक फैन कूल्ड एचईटी एसआई इंजन आपको मिलेगा। ये दोनों इंजन आपको BS4 टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा। और अब बात करते हैं मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क के बारे में। सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 8.58 bhp एट द रेट 7000 rpm और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 10.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 rpm। और दूसरी तरफ होंडा ग्रेजिया में आपको 8.52 bhp एट द रेट 6500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क 10.54 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 rpm आपको मिलेगा। और इन दोनों स्कूटर में आपको सेल्फ और किक दोनों ही स्टार्टिंग मैकेनिज्म मिलेगा। और मैक्सिमम स्पीड सुजुकी एक्सेस 125 में आपको 91 किलोमीटर पर आवर मिलेगा और होंडा ग्रेजिया में 85 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। और अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। सुजुकी एक्सेस 125 आपको नॉर्मल एडिशन और स्पेशल एडिशन आपको डिस्क वेरिएंट के साथ मिलेगा। मैं प्रेफर करता हूँ डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँगा। और होंडा ग्रेजिया में आपको ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट मिलेगा आपको, लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 में आपको कोई कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा कोई एडवांटेज नहीं है। बाएं तरफ ब्रेक दबाने से दोनों चक्का एक साथ रुकेगा, ऐसा कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन होंडा ग्रेजिया में आपको CVS मिलेगा, वेरी फेमस, वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी इफेक्टिव ऑल्सो CVS विथ इक्वलाइजर, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम विथ इक्वलाइजर, ये होंडा ग्रेजिया में आपको मिलेगा। तो ब्रेकिंग के मामले में, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वाइज आई प्रेफर्ड होंडा ग्रेजिया। और अब
फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इन दो स्कूटर में आपको फ्यूल फिलिंग सिस्टम जो है वो अंडर सीट मिलेगा, कोई एक्सटर्नल फैसिलिटी नहीं है। और सुजुकी एक्सेस 125 में फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगा 5.6 लीटर्स, और होंडा ग्राजिया में 5.3 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगा। और माइलेज आप दोनों स्कूटर में 50 एवरेज पकड़ के चल सकते हैं। और आप बात करते हैं सीट के बारे में, इन दोनों स्कूटर में जो सीट है काफ़ी वाइड लॉन्ग कंफर्टेबल सीट है, कुशन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 में आपको ब्राउन कलर का सीट मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और जो सीट हाइट आपको मिलेगा सुजुकी एक्सेस 125 में ये है 780 mm, और होंडा ग्राजिया का सीट हाइट है 766 mm। तो सीट हाइट के मामले में सुजुकी एक्सेस 125 में जो सीट हाइट है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और आप बात करते हैं एक मेजर पॉइंट, बैटरी एंड हेडलाइट। बैटरी जो मिलेगा दोनों स्कूटर में सेम टू सेम 12 वोल्ट बैटरी आपको मिलेगा, लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 में आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, लेकिन होंडा ग्राजिया में आपको फुल्ली LED हेडलैम्प मिलेगा। ये ऐसे स्कूटर में LED हेडलैम्प अभी तक नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम है होंडा ग्राजिया ने दिया है। हेडलैम्प बहुत ही बढ़िया है, रात के अंधेरे में जब आप राइड करोगे तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लाइट आपको मिलेगा। तो होंडा ग्राजिया नो डाउट आगे है हेडलाइट के मामले में, ये फुल्ली LED हेडलैम्प है। और अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस और कार्बोइड के बारे में। ग्राउंड क्लियरेंस जो सुजुकी एक्सेस 125 में आपको मिलेगा ये है 160 mm, और कार्बोइड 102 kg। और होंडा ग्राजिया में जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा ये है 155 mm, और कार्बोइड 107 kg। तो इसका मतलब सुजुकी एक्सेस 125 से होंडा ग्राजिया में ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा कम और कार्बोइड आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और अब एक मेजर पॉइंट, ये है बिल्ड क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर। सुजुकी एक्सेस 125 आपको मेटल बॉडी में मिलेगा, ये फुल्ली मेटल बॉडी है, अच्छा है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ होंडा ग्राजिया में आपको मेटल का नामो निशान नहीं, फुल्ली फाइबर बॉडी मिलेगा, लेकिन ये फाइबर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो बॉडी और स्ट्रक्चर के मामले में सुजुकी एक्सेस 125 मेटल बॉडी और होंडा ग्राजिया आपको फाइबर बॉडी में मिलेगा। तो अगर आपको मेटल बॉडी चाहिए, मेटल बॉडी पसंद है, तो सुजुकी एक्सेस 125 cc परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको फाइबर बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो होंडा ग्राजिया इज द राइट चॉइस। और अब बात करते हैं माय फेवरेट पार्ट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके। सुजुकी एक्सेस 125 में आपको वेरी इजी, वेरी सिंपल एनालॉग विथ डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, लेकिन होंडा ग्राजिया में आपको फुल्ली डिजिटल ऑसम लुक्स गुड बैकलीट के साथ आपको फुल्ली डिजिटल विथ टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, ट्रिप मीटर, एवरीथिंग विथ क्लॉक, आपको ये सब के साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको होंडा ग्राजिया में मिलेगा। तो वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से होंडा ग्राजिया नो डाउट सुजुकी एक्सेस से आगे है। और मैं आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बता दूँ, सुजुकी एक्सेस 125 में जो अंडर सीट स्टोरेज है ये है 22 liters, बेस्ट इन क्लास अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगा सुजुकी एक्सेस 125 में, लेकिन होंडा ग्राजिया में आपको 18 liters अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। और इन दोनों स्कूटर में आपको 3D लोगो साइड में आपको मिलेगा। और अगला पॉइंट जो है, इन दोनों स्कूटर में आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, लेकिन होंडा ग्राजिया में आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, वो बॉक्स के अंदर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, पॉइंट है, और वहाँ पर आप मोबाइल रख भी सकते हो। लेकिन सुजुकी एक्सेस 125 में आपको वो मोबाइल रखने के जगह बाहर है, वह चार्ज देते हुए मोबाइल आप बाहर बाएं तरफ हैंडल के नीचे रख सकते हो, वहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। लेकिन ग्लव बॉक्स में होंडा ग्राजिया में जो ग्लव बॉक्स है वहाँ पर कोई लॉकिंग फैसिलिटी नहीं है। और ये सुजुकी एक्सेस 125 में आप कभी मोबाइल रख सकते हो या फिर कोई छोटा मोटा बटन भी आप रख सकते हो वहाँ पर। और अब कलर ऑप्शन, सुजुकी एक्सेस 125 आपको 3 कलर वेरिएंट में मिलेगा जो स्पेशल एडिशन है, लेकिन होंडा ग्राजिया आपको 6 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा। और इन दोनों स्कूटर में जो फ्यूल फिलिंग सिस्टम है वो अंडर सीट है, बार बार सीट से उतर के आपको फ्यूल फिल करना पड़ेगा। और जो स्टोरेज है अंडर सीट, जो स्टोरेज स्पेस है वहाँ पर
कोई बूट लैंप इन दोनों स्कूटर में बिल्कुल नहीं है। और ये जो सुजुकी एक्सेस 125 है, ये सामने और बॉडी में क्रोम फिनिश डिजाइन है और मिरर भी क्रोम फिनिश मिरर का डिजाइन है। और दूसरी तरफ होंडा ग्रेजिया में आपको फाइबर बॉडी मिलेगा, लेकिन इसका जो फिनिशिंग और जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा है। यंग स्टार्स को ये स्कूटर बहुत ही पसंद आएगा। और अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। सुजुकी एक्सेस 125 नॉर्मल एडिशन और स्पेशल एडिशन आपको दोनों ही डिस्क ब्रेक में मिलेगा। ये है 70,500 रुपीज ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। और स्पेशल एडिशन में डिस्क वेरिएंट के साथ जो प्राइस है ये है 73,000 अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता। और होंडा ग्रेजिया का जो ड्रम वेरिएंट है इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है 68,709 रुपीज। और ड्रम ब्रेक विथ अलॉय व्हील का प्राइस है 70,835 रुपीज। और अलॉय व्हील विथ डिस्क ब्रेक का ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है 73,524 रुपीज। अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता यही है, लेकिन शोरूम टू शोरूम थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता यही है। और एक मैं बात बताऊँ, इन दोनों स्कूटर में जो नी स्पेस है, जो लेग स्पेस है, बैठने के बाद आपका हाइट कुछ भी हो तो बैठने के बाद आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, आपको राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही था आज का एक कुछ डिटेल कंपैरिजन इन दोनों स्कूटर में। बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैंने जो नोटिस किया वो मैं आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। और इन दोनों स्कूटर में आप कौन सा लेना चाहते हो, अगर आप कन्फ्यूज हो इन दोनों स्कूटर में, तो मैं आपको कहूँगा पहले आप इन दोनों स्कूटर का एक टेस्ट राइड लीजिए, 1-2 किलोमीटर आप टेस्ट राइड कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा स्कूटर आपके ग्रिप में है, कौन सा स्कूटर आप आराम से हैंडल कर सकते हो, आराम से टैकल कर सकते हो, राइडिंग कंफर्ट, इंजन स्मूथनेस सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन ले कि कौन सा स्कूटर आपको खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट राइड लीजिए। वैसे मैं जो बेसिक डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन दे दीजिए, लाइक्स का जो काला बटन है वो प्रेस करके आप ब्लू कर दीजिए, ये मुझे अगले वीडियो बनाने में वो इंस्पिरेशन मिलता है, मैं इंस्पायर्ड होता हूँ इसलिए। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, नीचे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वो फॉलो कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई नया बाइक से नया स्कूटर के साथ। तब तक खोज इंडिया देखते रहिए, और आप अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो देखने के लिए। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।